पुलवामा हमला इमरान खान की उपलब्धि बताकर आखिरकार कैसे पाकिस्तान फंस चुका है? बौखलाए भाजपा ने क्यों दिखाई धौंस? कुलगाम में बीजेपी के तीन नेताओं की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है? आतंकिस्तान के महापापों पर आप देखें न्यूज टॉप 9 आतंकी पाकिस्तान। पुलवामा हमला पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने करवाया था, ये खुलासा इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने किया है। संसद में फवाद चौधरी ने कहा है कि पुलवामा हमले का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तानी संसद में मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बाद पाकिस्तान का FATF की ब्लैकलिस्ट में जाना तय माना जा रहा है। फवाद चौधरी ने पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी बताया था और इसका श्रेय इमरान खान नियाजी को दिया था। फिलहाल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। आतंकी फौज का आका जनरल बाजवा सेना की फजीहत से बौखला गया है। भारत को गीदड़ बबकी देते हुए उसने कहा है कि हमसे टकराने वाले तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी ने फिर फर्जी धौंस जमाते हुए कहा है कि हम माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। राफेल की गर्जना पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना को सोने नहीं दे रही, वो थरथर कांप रहा है। राफेल ताकत से पाकिस्तान दहशत में है। पराक्रमी महाबली राफेल पर पाकिस्तानी सेना ने ताज़ा बयान जारी कर कहा है कि हमें कमजोर करने के लिए भारत ने राफेल खरीदे। अभिनंदन पर संसद में खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाक आर्मी और एयरबेस में हलचल पड़ गई है। POK में उड़ रहे F-16, F-17 जैसे फाइटर जेट इसकी तस्दीक कर रहे हैं। स्कदू एयरबेस में फाइटर जेट की उड़ान पाकिस्तान की घबराहट और बौखलाहट की पुष्टि करती है। JNK के कुलगाम में बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला जारी है। कुलगाम के वाईकेपोरा गांव में आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। हमले में बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 लोगों की मौत हुई है। आतंकी द रेजिडेंट फ्रंट ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर घाटी में बीजेपी नेता लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। आतंकियों ने 6 महीने के अंदर 14 बीजेपी नेताओं की हत्या की है। सबसे ज्यादा हत्याएं अगस्त में हुई। ताजा मामला कुलगाम का है जहां आतंकी हमले में 3 नेता मारे गए। कुलगाम में आतंकियों की कायराना वारदात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। पाकिस्तानी सेना में बगावत से डरे बाजवा ने पंजाब रेजिमेंट को LOC पर तैनात किया है। पाक आर्मी की सिंध बलूच और मुजाहिदीन यूनिटों ने आरोप लगाया था कि ज्यादा खतरे वाली जगह पंजाब रेजिमेंट को तैनात नहीं किया जाता। विवाद के बाद LOC पर पाकिस्तानी फौज ने पंजाब रेजिमेंट की 2 यूनिटों को तैनात किया है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।